नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भूपिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि जंग के मैदान कभी भी सज सकते हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है और खबर ऐसी जो चीन से होने वाली घुसपैठ की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुस आई है और ये दावा अगर विपक्ष करता तो भी शायद इसे नकारा जा सकता था, लेकिन ये दावा तो बीजेपी के नेता ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गांव ने बुधवार को दावा किया कि चीन की सेना राज्य के सुंदूर अंजवा जिले में घुस आई है और एक बरसाती नाले पर लकड़ी का अस्थायी पुल भी बना लिया है। कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने मंगलवार को ये पुल देखा है। बीजेपी नेता के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया। चीन की घुसपैठ की खबर चारों ओर चर्चा का विषय बन गई। इसी बीच नई दिल्ली में सेना के प्रवक्ता ने कहा कि घुसपैठ की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी सीमा रेखा को लेकर असमंजस की स्थिति है। मतलब भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा को लेकर एक साफ स्थिति नहीं है, इसीलिए दोनों ही पक्ष भारत और चीन एक दूसरे की सीमा में घुसपैठ करने की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बेहतर हैं और सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाता है। सेना की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में बहुत घने जंगल हैं, नाले और नदियों के किनारों पर पैदल चलना पड़ता है। मानसून के वक्त गश्त के लिए पहाड़ी नालों पर अस्थायी पुल बनाए जाते हैं। भारतीय सेना पूरे इलाके की नियमित रूप से निगरानी कर रही है, अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। खैर दोस्तों, अब बीजेपी के नेता का दावा है कि समस्या बहुत बड़ी है। चीनी घुसपैठिए 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसाए हैं और सेना का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है। अब सच्चाई क्या है वो आप अपने विवेक के हिसाब से समझ लीजिए। वैसे आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी नेता ने ये भी कहा था कि वे राज्य के जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार से चीन की सीमा लगने वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराने का अनुरोध करते रहते हैं और घुसपैठियों को रोकने के लिए सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है। दोस्तों, सेना सीमाओं की रक्षा करती है, उन्हें संभालती है, उनकी निगरानी रखती है और हम सेना की बात को मानते हैं, लेकिन आपके विचार से किसका दावा सच्चा है, सेना का या बीजेपी नेता का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।